डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 54 और लगता है रिमोट नहीं चल रहा यार, हु इज इट? बट बैटरीज तो नहीं है। जस्ट गिव इट टू मी, मैं अभी इनके कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ, इन्हें भी दिखाता हूँ स्टेट से रिटर्न बंदा आके कैसे चीजें रिजॉल्व कराता है। हेलो, ओए बैठ जा। मैं पूछने वाला। डिड यू जस्ट, अंग्रेज चले गए इन्हें छोड़ गए। भारत और अमेरिका दोनों ही अपनी तरह के दो प्रोग्रेसिव देश हैं। यूएसए एक सुपर पावर है और भारत के लोगों की जीवन शैली पे पिछले कुछ सालों से पश्चिमी देशों का काफी प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में मैं मॉडर्न यूएसए लाइफस्टाइल के तरीकों का कंपैरिजन हमारे प्राचीन भारत के लाइफस्टाइल के तरीकों से करूंगा और इस कंपैरिजन को मैंने 7 भागों में बांटा है। मैं इस विषय में अपनी व्यक्तिगत राय भी रखूंगा जिससे कि हम दोनों देशों की सबसे अच्छी आदतों से सीखने का मौका लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। स्टार्ट करते हैं नंबर 7, कपड़ों से। भारत में शुरू से ही नेचुरल फाइबर्स के कपड़ों को पहनने पर जोर दिया गया है जो सांस लेते हैं। मौसम के हिसाब से भी कपड़ों को पहनने और बदलने के बारे में सुझाव दिए गए हैं, जैसे गर्मी में कॉटन के कपड़े, ठंड में ऊनी कपड़े और बरसात में सिल्क के कपड़े। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों को भी सिर्फ फिजिकल अपील के लिए नहीं पहना जाता था, बल्कि उसके पीछे हेल्थ बेनिफिट्स का भी एक मोटिव था, जैसे सोना इम्यूनिटी के लिए, चांदी गर्मी कम करने के लिए और तांबा एज एन एंटीसेप्टिक। इतना ही नहीं, पहनावा एक तरह का विज्ञान था जिसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना था, जिसे हमारे योगिक ग्रंथों में आयुर्वस्त्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि अमरीकी स्टाइल ऑफ क्लोथिंग का ज्यादा ध्यान कन्वीनियंस और कम्फर्ट पे है, इसीलिए वो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनते हैं जिन पे रिंकल्स आसानी से नहीं पड़ते, जो ज्यादा ड्यूरेबल हैं और मैन्युफैक्चर करने में भी आसान हैं। वहाँ का क्लाइमेट भी उनके टाइट क्लोथिंग जैसे सूट्स, टाइज, जीन्स और शूज के पीछे एक जरूरी कारण है, जो कि पश्चिमी देशों में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से बचाने में उनकी मदद करता है। भारत के गर्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हल्के लूज कपड़े और चप्पल यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हैं। लिस्ट में अगला है फूड। यूनिवर्सिटी ऑफ सैंटियागो में हुए एक शोध के हिसाब से एक एवरेज अमेरिका नागरिक की 2/3 कैलोरीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन लोगों का फोकस कन्वीनियंस और प्रोडक्टिविटी पे होता है। दूसरी तरफ भारत के लोगों का फोकस हमेशा से ही खाने को पूरी तरह से घर पे बनाने में रहा है। भारत में बनाए जाने वाली एंडलेस वैरायटी ऑफ क्यूजींस इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ तक कि हाथ से मसाले को पीसना, घर पे घी बनाना जैसे मुश्किल काम भी अनकॉमन नहीं थे। भारतीय लोगों ने कभी भी किचन को एक वर्किंग डिस्पेंसरी से कम नहीं माना है, जहाँ पे डिफरेंट हर्ब्स और मसालों को बड़े ध्यान से यूज किया जाता था, ना सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए बल्कि पाचन तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी, जिसकी व्याख्या आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में भी की गई है। एक और बड़ा अंतर है फूड चॉइसेस में। अमेरिकन फूड ज्यादातर मीट बेस्ड है। यूएसए में एक एवरेज इंसान एक साल में 95 किलो से लेके 125 किलो तक मीट खा लेता है, जिनमें से अधिकतर रेड मीट जैसे सुअर और गाय के मांस से आता है। दूसरी तरफ भारत के लोग ज्यादातर वेजिटेरियन थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इंसानों को, जो कि पृथ्वी के सबसे सजग जीव हैं, ऐसे भोजन को खाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिसको खाने में कम से कम हिंसा हो। शुरुआत में शाकाहारी भोजन करना थोड़ी बैकवर्ड प्रैक्टिस लग सकती है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में एनिमल मीट बेस्ड खाने को खाने से होने वाली अनेक वायरस वाली बीमारियों को देखें, तो शाकाहारी खाना एक फार साइटेड ऑप्शन लगता है। 5वें नंबर पे हैं ईटिंग स्टाइल्स। मॉडर्न अमेरिकन्स और एंशिएंट इंडियंस के ईटिंग स्टाइल्स में भी एक बड़ा अंतर है। सुविधा और टाइम सेविंग प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन्स डाइनिंग टेबल पे खाना खाना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ प्राचीन भारत के लोग स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जुड़ाव को महत्व देते हुए जमीन पर बैठकर पालथी मारकर भोजन करते थे। इस आसन को सुख आसन कहते हैं, जो कि भोजन को पचाने में उपयोगी है। अमेरिकन लोग हाथ से खाना खाने को असभ्य समझते हैं, इसलिए वो
बनाते वक्त सोफिस्टिकेटेड कटलरी का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ भारत के लोग ये समझते थे कि हाथ से भोजन को छूने से भोजन में एक ऊर्जा आती है जिससे उसके पाचन और पोषक तत्व में बेहतर प्रभाव पड़ता है। भारत के लोग केले के पत्ते और सुल के पत्तों पर भोजन करते थे जो कि इको फ्रेंडली होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। दूसरी तरफ मॉडर्न अमेरिकन लोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स में खाना खाने में भी ज्यादा नहीं सोचते। अगला पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी वर्सेस कन्वीनियंस। मॉडर्न अमेरिकन्स और एंशिएंट इंडियंस में ऐसी कई डिस्टिंक्ट आदतें हैं जो कि हमें ये हिंट देती हैं कि मॉडर्न अमेरिकन्स का कन्वीनियंस की तरफ ज़्यादा झुकाव है और दूसरी तरफ प्राचीन भारत के लोग सस्टेनेबिलिटी को महत्व देते थे। अमेरिकन लोगों का शौच करने के बाद पानी से धोने की बजाय टॉयलेट पेपर से पोंछना इसका एक एग्जाम्पल है, बल्कि ये एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि पानी भी तो स्केर्स रिसोर्स है ना। ऐसा सच है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक टॉयलेट पेपर को मैन्युफैक्चर करने में 140 लीटर तक पानी खर्च हो जाता है। हाथ धोने के बाद एक अमेरिकन टिश्यू पेपर का प्रयोग करता है जबकि भारत के लोग कॉटन के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ब्रश करते वक्त एक अमेरिकन प्लास्टिक टूथब्रश का और केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट का प्रयोग करता है जबकि भारत के लोग इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक नीम के दातुन का प्रयोग करते थे। जीप साफ करते वक्त भी भारत के लोग एंटी माइक्रोबियल तांबे से बने टंग क्लीनर्स का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लास्टिक से बने नॉन बायोडिग्रेडेबल टंग क्लीनर्स का। खाना पैक करते वक्त भी अमेरिकन लोग एल्यूमिनियम फॉइल्स का प्रयोग करते हैं, उससे पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में नहीं सोचते, जबकि भारत के लोग मलमल के कपड़े से खाने को ढकते और पैक करते थे जो कि ना सिर्फ सेफ है बल्कि एल्यूमिनियम की तरह खाने में किसी भी तरह का केमिकल रिलीज नहीं करता। भारत में लोग ठंडे पानी के लिए बायोडिग्रेडेबल मटके का प्रयोग करते थे, ना कि रेफ्रिजरेटर्स का। अगर हम मटके के द्वारा ऑप्टिमली ठंडे किए पानी का प्रयोग पीने के लिए करते हैं तो हमारा गला भी उससे खराब नहीं होता और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचता। आइए अब जनरल वेज ऑफ लिविंग का कंपैरिजन करते हैं। एक आम अमेरिकन हाथ मिलाकर ग्रीट करता है और भारत के लोग शुरू से ही नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। ये एक ऐसी आदत है जिसको अब धीरे धीरे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। नमस्ते का वास्तविक अर्थ है नमः, जिसका मतलब है मैं झुककर आपके अंदर के ईश्वरीय अंश को प्रणाम करता हूँ। इससे ना सिर्फ कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा मिलता है बल्कि ये ज़्यादा हाइजीनिक भी है। अमरीकियों के विपरीत भारत में लोग जूते हमेशा घर के बाहर उतारते थे, जो कि जर्म्स और वायरसेस का संक्रमण रोकने के लिए एक समझदार आदत है और इससे घर को साफ रखने में समय और मेहनत दोनों बचती हैं। भारत और अमेरिका के टॉयलेट पॉट का डिज़ाइन भी एक अनोखा तरीका है दोनों देशों के वे ऑफ लिविंग को समझने के लिए। भारतीय टॉयलेट डिज़ाइन में शरीर के अंग सीट से टच नहीं करते, जबकि वेस्टर्न टॉयलेट में तो थाइज वगैरह सीट के कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो कि अनहाइजीनिक हो सकती है। इसके अलावा ये आज का एक प्रूवन फैक्ट है कि हम जितना स्क्वाटिंग पोजिशन में होते हैं उतनी ही आसानी से हमारा पेट साफ होता है। इंडियन स्टाइल टॉयलेट हमारे आंतों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, जबकि वेस्टर्न स्टाइल बैठने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से अडॉप्ट की गई। अगला पॉइंट है एरियाज ऑफ इनोवेशन। इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका ने पिछले सदी के मोस्ट इनोवेटिव और साइंटिफिक प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है। अमेरिका इनोवेशन का मुख्य केंद्र है और नए प्रोडक्ट्स के लिए एक हब भी है, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी या रोज के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अमेरिकन इनोवेशन का ध्यान एफिशिएंसी को बूस्ट करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने और मटेरियलिज्म को बढ़ाने में रहा है, जिससे इनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। दूसरी तरफ भारत में स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसका मुख्य केंद्र हेल्थ और वेलबींग के साथ साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में रहा है। शायद इस बात को डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, लेकिन भारतीय इनोवेशन सर्वश्रेष्ठ रहा है मंदिरों के आर्किटेक्चर्स में, चाहे फिर वो कैलाश मंदिर हो एलोरा की गुफाओं में या फिर हम्पी मंदिर जिनके पत्थरों पर संगीत की ध्वनि निकलती है, खाना बनाने के नायाब तरीके हों या फिर राजाओं द्वारा समझदारी से बनाए गए किले हों, या फिर 1600 साल पुराना दिल्ली में स्थित वह रहस्यमयी आयरन पिलर जिसमें आज तक जंग नहीं लगी। ये कुछ ऐसी वैज्ञानिक पहेलियां हैं जिनका जवाब आज भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। अब फाइनली बात करते हैं प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोच की। ऐसे कई तरीके हैं जिससे इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हेल्थ और वेलबींग के मामले में भारत के लोग प्रोएक्टिव थे
और अमेरिकन लोग रिएक्टिव हैं। उदाहरण के तौर पे भारत में हमेशा से मिट्टी से बर्तनों का प्रयोग करने का बढ़ावा दिया गया, जिससे खाना पकाने में ज़्यादा न्यूट्रिशन रिटेन होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं। दूसरी तरफ ज़्यादातर अमेरिकन नॉनस्टिक कुकवेयर यूज़ करते हैं, जिससे भले उनका ऑमलेट चिपके ना, पर उस कुकवेयर की कोटिंग से निकलने वाली टॉक्सिक फ्यूम से लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ पे इसका बुरा असर ज़रूर पड़ सकता है। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से खाना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का मिश्रण है, और इस सोच की वजह से ही वहाँ की मार्केट में सिंथेटिक मल्टीविटामिन पिल्स का प्रचलन जोरों पे है। दूसरी तरफ भारत के लोगों ने शुरू से ही अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा नेचुरल वेज का पालन किया है, जिससे उनके शरीर को ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। जैसे लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से उनके खून में आयरन की मात्रा पूरी रही, पीतल के बर्तन में टिन कोटिंग से भारतीय लोगों को नियमित तरीके से जिंक की सही मात्रा मिलती रही, पानी पीने के लिए तांबे का बर्तन प्रयोग कर उन्हें रोज का ज़रूरी कॉपर इंटेक भी मिलता रहा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय लोगों ने ताज़े और सीजनल फलों और सब्जियों को खाने पे ज्यादा जोर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनका शरीर इनसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को काफी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा। आज के अमेरिकन्स अपने स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशंस, एंजाइटी और स्ट्रेस से युद्ध लड़ने के लिए सिंथेटिक पिल्स का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगा भारत के लोगों के जीवन शैली का एक हिस्सा था, जिससे उनके अंदर की ऊर्जा प्रकृति से अलाइन होती थी और वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया जैसी समस्याएं उनसे दूर रहती थी। पैसे खर्च करने में भी अमेरिकन ज्यादा सोचते नहीं, और भारत के लोग खर्चा कम करते थे और भविष्य के लिए सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देते थे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अमेरिकन जीवन शैली शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान देती है, जिसका मुख्य ध्यान कंफर्ट पर है, जिस पर लॉन्ग टर्म में हेल्थ और वेलबींग पे बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय जीवन शैली में लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल गोल्स होते थे, बिना अपने और प्रकृति के स्वास्थ्य पे बुरा असर डाले। ये बात समझने में हमें शायद दुख होगा कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए ज़्यादातर एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस आज की अर्बन लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठती। ज़रा सोच के बताइए कि हम में से कितने लोग गोबर के उपलों से बने ईंधन का प्रयोग कर खाना पका सकते हैं। ना ही हम वो पश्चिमी देशों में प्रयोग होने वाले कैंसर कॉजिंग नॉन स्टिक कुकवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे, जिससे कई सारे दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आखिर इसका सलूशन क्या है? जैसे कि हर पुरानी भारतीय जीवन शैली की आदतें इम्प्रैक्टिकल नहीं है, वैसे ही हर वो आदत जो पश्चिमी जीवन शैली का हिस्सा है वो हेल्थ के लिए बुरी नहीं है। हम दोनों देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल होने के साथ साथ हेल्थ पे भी कम बुरा असर डालती हैं। जैसे पैकेज्ड फूड लेते वक्त हम इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि उस प्रोडक्ट्स में सेफ और नेचुरल चीज़ें यूज हुई हैं या नहीं। दातुन का प्रयोग सबके लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो, पर एटलीस्ट सेफर टूथब्रश और टूथपेस्ट ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। लोकल और सीजनल फलों और सब्जियों को ज़्यादा खाने पर जोर दे सकते हैं। हो सकता है हर बार ज़मीन पर बैठकर हाथ से खाना आपके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन ध्यान से और ठीक से चबा के खा सकते हैं, मन में कृतज्ञता की भावना के साथ। कुकवेयर के केस में हम एल्युमिनियम और प्लास्टिक से बने कुकवेयर को रिप्लेस कर सकते हैं मिट्टी और मेटल से बने बर्तनों से, जो कि हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह हम सब के लिए 2 घंटे योगा करना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन रोज 15 मिनट तो योगा करने की आदत बना सकते हैं। इन सब बदलाव को लेकर हम रोज के जीवन में खुशी और शांति ला सकते हैं, और आधुनिक जीवन के चैलेंजेस को टैकल करना बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। एक ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली ये है कि हमें अपनी पुरानी भारतीय आदतों को पश्चिमी देशों की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमारी ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो शुरुआत में पिछड़ी हुई लग सकती हैं, लेकिन असल में फार साइटेड हैं। भारतीय सभ्यता अपने आप में काफ़ी आधुनिक है, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, अगर आप अपने बालों के लिए खास आयुर्वेदिक ऑयल खरीदना चाहते हैं तो ट्रू हेयर ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है। खास इसलिए क्योंकि ट्रू हेयर ऑयल आता है ट्रू हीटर के साथ। जी हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि ऑयल को अगर थोड़ा गर्म करके लगाया जाए तो उसका असर बहुत बढ़ जाता है। हालांकि ऑयल को गर्म करने में आलस आता है, और कभी ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन है ट्रू हेयर ऑयल, जो आता है हीटर के साथ, जो ऑयल को 65 डिग्री तक गर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। करीब 4 मिनट लगते हैं और लाइट से आपको सिग्नल मिलता है। ये एक इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है, जिससे आप 13 आयुर्वेदिक हर्ब्स का फायदा उठा सकते हैं बिना किसी झंझट के, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ट्रू हेयर ऑयल के 2 और टॉक्सिन फ्री वेरिएंट्स भी आते हैं।
ट्रू हेयर ऑयल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। उस लिंक के थ्रू आपको मिलेगा डायरेक्टली 25% ऑफ बिना किसी डिस्काउंट कूपन कोड के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।